पुडुचेरी में फेंगल तूफान ने मचाई तबाही। भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में आया सैलाब, कमर तक पानी में चलने को मजबूर हुए लोग। पुडुचेरी में बाढ़ जैसे हालात, घरों के अंदर फंसे लोग, रेस्क्यू टीम ने नाव की मदद से महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों को घरों से निकाला। पुडुचेरी में सैलाब से बिगड़े हालात, सड़कों पर दिखा नदी जैसा मंजर, लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। चेन्नई में समंदर किनारे भी फेंगल तूफान ने तबाही मचाई, कई दुकानों को नुकसान, जेसीबी की मदद से रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से बड़ी ठिठुरन, अधिकतर जगहों पर रात का तापमान शून्य के आसपास, हिमाचल में भी बर्फबारी का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी, सोनमर्ग कारगिल रोड पर बर्फ ने जमाया कब्जा, रास्ते को फिलहाल किया गया बंद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भी बर्फ की बारिश, ताजा बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट, स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी। राजधानी टॉप पर बर्फ की बारिश, सुबह से हो रही है बर्फबारी, सड़क पर लगा बर्फ का ढेर। राजधानी टॉप पर बर्फबारी से बांदीपोरा गुरेज मार्ग को बंद करना पड़ा, रास्ते में फंसी गाड़ियां, यात्रियों को भारी परेशानी। जांच के लिए न्याय आयोग की टीम पहुंची संभल, हिंसा वाली जगह का मुआयना जारी, 2 महीने में सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। संभल हिंसा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, का संभल में हिंसा फैलाने वाले सभी अपराधी समाजवादी, अखिलेश यादव से देश की जनता से माफी मांगने की अपील। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उन्नाव शाखा ने संभल के मस्जिद के सर्वे को बताया गलत, राष्ट्रपति को संबोधित, ज्ञापन देने निकले मुस्लिम धर्म गुरुओं को प्रशासन ने रास्ते में रोका। संभल में धीरे धीरे हालात हो रहे सामान्य, सुबह की सामने आई तस्वीर मस्जिद के बाहर, अब भी बड़ा कड़ा पहरा। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण, लेकिन अब तक सीएम का ऐलान नहीं, आज सतारा से लौटेंगे एकनाथ शिंदे, गृह मंत्रालय पर फंसा है पेच। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के समाप्त होने के बाद बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, का एआई तो आ चुका है, अब एचआई यानी हिंदू इंटेलेक्चुअल की आवश्यकता है। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल को कैबिनेट से मंजूरी, जबरन धर्मांतरण पर होगी 10 साल तक की जेल, मर्जी से धर्म परिवर्तन पर भी 60 दिन पहले देनी होगी कलेक्टर को सूचना। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले पर मधुमक्खियों का हमला, कुछ लोग घायल, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन, लोगों की सुनी समस्याएं, अफसरों को दिए जल्द समाधान के निर्देश। उज्जैन में महाकाल के दरबार में बिहार के गवर्नर राजेंद्र अरलेकर और मनीष सिसोदिया ने किए दर्शन, भस्म आरती में विश्राम। आज से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 16.50 रुपए महंगा, दिल्ली में अब 1818.50 रुपए का हुआ सिलेंडर। दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं, आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब, सुबह कई इलाकों में छाई धूप। दिल्ली में यमुना का भी बुरा हाल, पानी में बह रहा है जहरीला अजाक, चारों तरफ दिखा टॉक्सिक फॉग। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भी सुबह छाई धुंध, मॉर्निंग वॉक करने वालों को भी परेशानी। यूपी के आगरा में कोहरे और स्मॉग का डबल अटैक, ताजमहल के सामने आई तस्वीर, धुंध के पीछे छिपा ताज। यूपी के मुरादाबाद में भी कोहरे का अटैक, सुबह विजिबिलिटी भी काफी कम, राहगीरों को भारी परेशानी। कोलकाता में एक होटल में बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 साल पहले अवैध रूप से सीमा पार कर आया था, जाली पासपोर्ट बनवाकर होटल में कर रहा था नौकरी। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ से पहले कचौड़ी की दुकान की नीलामी, संगम जाने वाली रोड पर 92 लाख रुपए की लगी बोली, दर्शकों से चल रही है कचौड़ी की ये दुकान। यूपी के कानपुर में थाना प्रभारी के साथ बंदर की जबरदस्त दोस्ती, लोगों की सुनवाई के दौरान अचानक आया बंदर, थाना प्रभारी की सीट पर बैठाया नजर आया। पटना में एक्साइज डिपार्टमेंट ने नशा मुक्त बिहार कार्यक्रम का किया आयोजन, युवाओं का लगा जमावड़ा, नशे से दूर रहने की अपील। पटना में नशा मुक्त बिहार कार्यक्रम के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन, ब्रांड एम्बेसडर सायना नेहवाल हुई शामिल।